क्रिकेट में समय समय पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आते रहे जो कि अपनी प्रतिभा के दम पर चमके और ऊपर उठे और इतिहास में अपना एक अलग ही नाम बना लिया। कुछ इसी तरह क्रिकेट में एक से बढ़कर एक स्पिनर भी हुए जो कि अपनी गेंदबाजी में शानदार स्पिन की बदौलत बैट्समैन को काफी मुश्किल में डालने में कामयाब रहते हैं, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न हो या भारत के अनिल कुंबले। ये स्पिनर्स आज तक के सबसे महान स्पिनर्स में गिने जाते हैं। इनकी फिरकी का जादू ही कुछ ऐसा था कि लोग इनको बॉलिंग करते हुए देखे बिना रह नहीं पाते थे। ठीक इसी तरह के एक स्पिन गेंदबाज के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक अलग ही नाम बना लिया है। इस स्पिन गेंदबाज को आज के समय के सबसे अच्छे बॉलर्स में गिना जाता है। हम बात कर रहे हैं सुनील नारायण की, जो कि एक त्रिनिडेडियन क्रिकेटर हैं पर इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की ओर से खेलते हैं। इसके अलावा वह अलग अलग देशों में खेले जाने वाली T20 लीग्स में भी भाग लेते हैं और उन लीग्स का एक अहम हिस्सा बनकर आगे आते हैं। सुनील इंडिया की T20 लीग IPL में KKR की तरफ से खेलते हैं और न केवल खेलते हैं बल्कि अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करके मैच भी जिताते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनील की जिंदगी की पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल करा। सुनील नारायण का जन्म 26 मई 1988 को अरेमा त्रिनिडाड एंड टोबैगो में हुआ। सुनील नारायण का पूरा नाम सुनील फिलिप नारायण है। इनके पिता का नाम शदीद नारायण और माँ का नाम क्रिस्टीना नारायण है। सुनील के पिता क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे। लोग तो कहते हैं कि उनके पिता सुनील गावस्कर के भी काफी बड़े फैन थे और इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम भी सुनील रखा। सुनील अपने पिता के साथ क्वींस पार्क सवाना में जाया करते थे, वहां वे क्रिकेट भी खेला करते थे। वहीं जाते जाते और क्रिकेट खेलते खेलते उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और धीरे धीरे उनकी स्किल्स भी उभरने लगी। समय बीतता गया और उनकी ट्रेनिंग जारी रही। स्कूलिंग समय में भी उन्होंने काफी अच्छी प्रैक्टिस करी और वो लोगों की नजरों में पहली बार 2006 में आए जब उन्होंने अंडर 19 ट्रायल मैच में 55 रन देकर एक इनिंग्स में पूरे 10 विकेट्स लिए। उनकी ये परफॉर्मेंस गवाह थी कि वे आगे चलकर कितने बड़े क्रिकेटर बनने वाले हैं। इसी तरह समय बीतता गया और सुनील को अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेलने का मौका मिला 2009 में। इस मैच में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वो 13 ओवर्स में एक भी विकेट ना ले सके। यह प्रदर्शन उनकी क्षमता के हिसाब से काफी कम था। इस मैच में खराब प्रदर्शन के बाद वह लगभग एक साल तक कोई भी मैच नहीं खेल सके। 2011 में नारायण की वापसी कैरेबियन T20 लीग से हुई। वह इस बार पहले से बेहतर दिखाई दे रहे थे और काफी कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे। इस टूर्नामेंट में सुनील ने 13 के एवरेज से 5 विकेट्स लिए। सुनील नारायण और बाकी टीम के अच्छे प्रदर्शन की वजह से त्रिनिडाड एंड टोबैगो ने ये टूर्नामेंट जीत लिया। ये सुनील नारायण के अच्छे समय की शुरुआत भर थी। कैरिबियन लीग जीतने के बाद त्रिनिडाड एंड टोबैगो 2011 की चैंपियंस लीग 2020 के लिए क्वालिफाई कर गई, जहां पर एक बार फिर सुनील को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। इस टूर्नामेंट में वह 10 से ज्यादा विकेट लेने में कामयाब रहे। वह अब एक बॉलर के रूप में निखरते जा रहे थे। 2011 के अक्टूबर में उन्होंने अपना लिस्ट ए डेब्यू किया। इस पूरे टूर्नामेंट में सुनील ने 15 विकेट लिए और त्रिनिडाड एंड टोबैगो को कॉम्पिटिशन जिताने में एक अहम रोल अदा किया। 5 दिसंबर 2011 को नारायण ने अपना ODI डेब्यू भारत के खिलाफ किया। इस मैच में उन्होंने 2 विकेट्स भी लिए। इसके बाद मार्च 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने वेस्ट इंडीज की ओर से खेलते हुए अपना इंटरनेशनल T20 डेब्यू किया। सुनील के टैलेंट को देखकर 2012 के IPL में उनको KKR की टीम ने खरीद लिया। तब से आज तक वे KKR का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। क्रिकेट जगत में सुनील एक बड़ा नाम बनते जा रहे थे, पर उनके जीवन में एक बुरा पल तब आया जब उनके बॉलिंग एक्शन को इलीगल करार कर दिया गया और 2015 में उनके खेलने पर रोक भी लगा दी गई। बैन के कुछ महीनों बाद एक्शन में सुधार करके उन्होंने दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। शुरुआती दिनों में उनकी बॉलिंग में पहली जैसी धार नहीं थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया और सुनील की प्रैक्टिस बढ़ती गई, उनका अपनी बॉलिंग पर पहले की तरह ही शानदार कंट्रोल आ गया और जल्द ही वह अपने पुराने मिस्ट्री स्पिनर के अंदाज में नजर आने लगे। बैट्समैन उनको खेलने के पहले कई बार सोचने पर एक और बार मजबूर हो गए थे। ये तो थी सुनील नारायण की प्रोफेशनल लाइफ। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो आपको बता दें कि वे मैरिड हैं और उनकी वाइफ का नाम नंदिता कुमार है। सुनील नारायण फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में धूम मचाए हुए हैं। इस बार न केवल बॉलिंग से बल्कि अपनी बैटिंग से भी लोगों को अपना दीवाना किए हुए हैं। वह हर फील्ड में समय के साथ बेहतर होते जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि वे इतने कामयाब भी हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हम आने वाली वीडियोस किसके ऊपर बनाएं। दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज लाता रहूँगा।